वेलकम टू डिजिटल मैथ्स भाई। सेक्शन सी का सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था भाई। सेक्शन सी ऑफ पेपर वन हम लोग लेके आ चुके हैं। गाला पेपर वन साइंस का सेक्शन सी, कोशिश पूरी रहेगी सारे के सारे सेक्शन सी सेक्शन डी अपलोड कर दें, पेपर्स मैथ्स के पेपर्स भी अपलोड करने। बट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा भाई किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, बट अगेन वी आर बैक टू द पवेलियन और जल्दी से जल्दी सारे के सारे हम लोग अपलोड कर देंगे भाई। प्रीलिम्स की एग्जाम्स आप लोग की स्टार्ट हो रही है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बट बस यही है कि हम लोग बोर्ड्स के टारगेट के रिगार्डिंग है, तो प्रीलिम्स में आप बेस्ट करें, बस आगे हम लोग बढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो देख लेना। व्हाट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझो। अगर कोई कंपाउंड है, जैसे ए और बी एक कंपाउंड है और सी एक एलिमेंट है जो हाई, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज जो ऑर्डर है, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो वो क्या करेगा। अगर सी इज दी हाईएस्ट, हायर रिएक्टिव एलिमेंट बोल सकता हूँ, हायर ऑर्डर रिएक्टिव एलिमेंट या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट बी को रिप्लेस कर देगा। तो इट विल बी बी सी प्लस ए या सी बी प्लस ए, दैट इज हाउ इट वर्क्स। यानी इट डिस्प्लेसेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है। जैसे अगर सपोज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, व्हाट विल ZnSO4 और कॉपर को धक्का मार के बाहर रिप्लेस कर देना। अगर एक मोटा आदमी है, सपोज अ फैट बॉय, और एक छोटा सा पतलू सा आदमी है या बॉय है, क्लियर, वो अगर पतलू सा आदमी अपनी जगह बैठ जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको लात मार के धक्का मार देगा, रिप्लेस कर देगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग जैसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जांपल देखें तो ए बी जैसे कंपाउंड है और सी इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सी क्या कर रहा है, बी को रिप्लेस कर देता है, तो ए सी प्लस बी, दैट इज हाउ इट वर्क्स। यानी सी जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो गया और बी जो है लो रिएक्टिव एलिमेंट हो गया, तो सी बी को रिप्लेस कर देता है। Here let C be the high reactive element which displaces B less reactive element from the compound. Then example ले लेते हैं, जैसे कि when the iron is added to copper sulfate solution, अगर iron जो है Fe plus copper sulfate solution को add किया जाए तो वो हो जाएगा FeSO4 plus copper, मतलब iron जो है copper से ज्यादा react कर रहा है, it displaces the copper metal from the copper sulfate solution to form iron sulfate and copper. This is how it reaction is carried out. Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus copper. When zinc is added to the copper sulfate solution, it displaces the copper metal from the copper sulfate solution to form zinc sulfate and copper. So, उसका reaction भी इस तरह से। So, just आपको पहले displacement reaction explain कर दो इस तरह से, और उनके दो examples मैंने लिख दिए हैं, so it will be okay for 3 marks. और वैसे आपको याद करना है कि भाई आपकी activity series क्या है, तो उस तरह से आपको प्रॉपर वे में लर्न करना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, राइट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मेटल्स ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक हो जाते हैं, देन मेटल्स केमिकल के साथ मींस ऑक्सीजन के साथ, देखो यहां पे मैं बता ही देता हूं, metals are electropositive, non-metals are electronegative, metals react with oxygen to form basic oxide, that is 4Na plus O2 gives Na2Na, 2O, then non-metals react with oxygen to form neutral acid or neutral or acidic oxide. ये point wise है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, metal oxides and hydroxide bonds have ionic bonds, non-metal oxide and hydroxide have covalent bonds. समझ रहे हो? Clear? इस चीज को ध्यान रखना। दिस आर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। मेटल्स रिएक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो Na क्या करता है, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी रहती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेल को कंप्लीट करके Cl- बन सकता है।
दिस इज हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज. एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइंग एट द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज. मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आपके जिंक आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, आयन आ गया. दिस आर द मिडल एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स हैं. इसके अंदर क्या होता है, मिडल वाले के अंदर सल्फाइड ओर्स ज्यादा होते हैं एंड कार्बोनेट ओर. तो दो मेथड्स आपको करना पड़ता है, एक तो पहले नॉर्मल क्लीनिंग वगैरह सब करते हैं, उसके बाद या तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन. रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में क्या करता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है, फिर ऑक्साइड को आपको रिफाइनिंग करना पड़ता है. सो कैसे वर्क करेंगे, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर जिंक, आयन, लीड एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी बहुत ना तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं ना लो रिएक्टिव एलिमेंट्स. दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स. या तो ऑक्साइड फॉर्म में होंगे, सल्फाइड फॉर्म में होंगे या कार्बोनेट फॉर्म में होंगे. इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड एज कंपेयर टू देयर सल्फाइड कार्बोनेट्स. देयरफॉर बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर से उसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू मेटल ऑक्साइड. यानी देखो मेटल ऑक्साइड में से कार्बन, यानी हमारा मेटल निकालना बहुत ईजी होता है, तो सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर है, अगर सल्फाइड है या कार्बोनेट है उसको पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, कैसे भी करके मेटल ऑक्साइड में लेके आओ, फिर उसमें से हम लोग यानी मेटल्स को अलग कर दें. फॉर इंस्टेंस सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स ऑफ जिंक आर हीटेड टू कन्वर्ट इन टू देयर ऑक्साइड्स. हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटेड इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर जिंक है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट करो तो ZnO plus SO2, या फिर जिंक, दिस कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू देयर ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ओर इज नोन एज रोस्टिंग. अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर हीट कर रहे हो, ऑक्सीजन जब है उसके प्रेजेंस, तो ये वाला जो है रिएक्शन वो रोस्टिंग के लिए है. एंड अगर एबसेंस में कर रहे हैं ऑक्सीजन के एबसेंस में, दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन. क्लियर, ये कैल्सिनेशन प्रोसेस है, दिस इज नोन एज कैल्सिनेशन, जिसमें कार्बोनेट ओर को आप हीट कर रहे हो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू करस्पोंडिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन. फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, इट इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक जिंक. ZnO plus कार्बन गिव्स Zn plus CO2, दिस इज रिफाइनिंग. मेटल ऑक्साइड मिल गया, उसके बाद रिडक्शन हम लोग कैरी ऑन करते हैं. ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज द रिडक्शन प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस. To reduce metal oxides to metal, displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agent because they can displace metals of low reactive from their compound. For example, when manganese dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction takes place. Manganese MnO2 gives plus 4L gives 3Mn 2Al2O3 plus heat. Yani, रिडक्शन आप कार्बन के साथ रिएक्ट करके भी कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर सकते हो जो अभी हमने पढ़ा. तो जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या मॉडरेट रिएक्टिव मिडल ऑर्डर में, उनको रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करना पड़ता है. रोस्टिंग हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर मींस ऑक्सीजन, एंड हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन. व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. भाई रिफ्लेक्स एक्शन, अगर आपको चोट लग जाती है, आपके हाथ जल जाते हैं, अचानक से आप हाथ हटा लेते हो, That sudden impulse to the stimulus, आपको जो बाहर से external impulse मिल रहा है, signal मिल रहा है, उसके against आप जल्दी से जो भी reaction करते हो, that is known as reflex action. Example आप दे सकते हो, blinking of eyes, अचानक से कुछ गिर गया, blink करना, या फिर आपका हाथ गर्म चीज को touch करके आप कैसे हटा लेते हो, कोई चीज pinch करता है, चूटी काटता है, that is, तो, और involuntary actions, और उनके बीच में difference देखेंगे. Reflex action. Reflex action is the rapid and spontaneous action is response to a stimulus which doesn't involve the brain. Brain ko involve, khali brain ko information pochai jati, baki kaam karta hai spinal cord. For example, shutting eyes immediately when bright light is focused. Ekdam se tez roshni aapki aankhon pe giri to kaise ekdam band ho jata hai ya kuch bhi ho jata hai. That is how what involuntary action takes place without the conscious choice of an organism. Matlab dimag brain ke saath wo nahi hai but अपनी मर्जी से नहीं करते. इट इज इनवॉलेंट्री, बिना कोई चीज हमें पहचाने, जैसे हार्ट का बीट करना है, दैट इज सांसें लेना है, ब्रीदिंग करना है, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शंस आर दोज एक्शंस दैट टेक प्लेस अलोंग विद स्टिमुली, इंपल्स के थ्रू. किसी ने चूटी काटी, गर्म चीज को टच कर लिया, एकदम ठंडी चीज को टच किया, एकदम से ब्राइट लाइट आ गई, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन.
दिस सेक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगाटा और मिड ब्रेन. दिस सेक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. द स्पीड इज रिलेटिवली स्लोअर, द स्पीड इज वेरी क्विक. एग्जाम्पल बीटिंग ऑफ हार्ट, एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आईज. क्लियर? ये उनके रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन के डिफरेंसेस हो जाते हैं, यू कैन मेंटेन. एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन मेथड विद डायग्राम. बाइनरी फिशन आप अमीबा में देख सकते हो. यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, पहले क्या होता है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इंडिविजुअली, एंड देन होल साइटोप्लाज्म डिवाइड्स विद इट. बाइनरी फिशन मतलब सिंगल पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन. असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम सिंगल पेरेंट. सिंगल पेरेंट से अराइज होता है बाइनरी फिशन इन अमीबा. बाइनरी फिशन इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ बॉडी सेपरेट्स इनटू टू न्यू बॉडीज विद ईच बॉडी ऑफ इट्स ओन कॉपी ऑफ डीएनए. हर बॉडी के पास उनका खुद का डीएनए होता है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है. इन दिस प्रोसेस द बॉडी फर्स्ट डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, देन बॉडी डिवाइड्स इनटू टू बॉडीज बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकिनेसिस. साइटोकिनेसिस मतलब सेल यानी अपने डीएनए का डिवीजन होना, देन न्यूक्लियस का डिवीजन होना, और फिर आप दो अलग अलग सेल्स डिवाइड हो जाते हैं. दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन अमीबा एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. इन दिस वे अ स्पीसीज प्रोड्यूसेस इट्स ऑन काइंड एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन जनरेशन वाइज. ऑब्वियसली बात है भाई, उस स्पीसीज को एग्जिस्ट करना है और एनवायरमेंट के अंदर, तो रिप्रोडक्शन इज कंपल्सरी. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूकेरियोट्स इन बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन यूजुअली अकर्स व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल. अच्छी कंडीशन है तो बाइनरी फिजन होता है, अदरवाइज नॉट. डिस्क्राइब द मेथड्स टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन. में ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है भाई. गवर्नमेंट भी बोल रही है हम दो हमारे, दो हम दो हमारे, एक हो गया है. सो दैट वे इट गोज ऑन. सो देयर इज द ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल बाय द फॉलोइंग मेथड्स. हॉर्मोनल मेथड्स मीन्स मेडिसिन, कंट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद ये सब चीज प्रोसेस हो जाती है. दैट इज वेरियस हॉर्मोनल प्रिपरेशन कम्स इन फॉर्म ऑफ टेबलेट्स और पिल्स, कॉमनली कॉल्ड कंट्रासेप्टिव पिल्स. दवाई लेके फिर दैट इज क्लियर. Barrier methods, condoms are used by males while diaphragms and spermidical are used by females. Intrauterine devices, IUDs, that is IUDs such as lips loop and copper T are fitted with uterus. They prevent fertilization. Surgical methods, in female the fallopian tubes are ligated, and this is called tubectomy. In males the vas deferens are ligated, that is means ligated means unko bhai surgery ke through reduce karte the taki fertilization na carry ho pae, that is vasectomy. Clear? These are the different methods to control human population. Explain the phenomena of refraction by glass slab. देखो glass slab पहले मैं बता देता हूँ. This is known as incident line. ये जो है incident line है. अब जब air से glass में आएगा तो थोड़ा सा deflection दिखेगा. This is refraction line and this is emergent line. Incident line और emergent line दोनों parallel है. But उसमें slight deviation दिखाई देता है. This is OL is the slight deviation. बाकी एंगल आई और एंगल ई, यहाँ पे जो एंगल आर टू दैट इज एंगल ई इज इक्वल. तो ई ओ इंसिडेंट रे ऑन ए बी, ओ ओ डैश रिफ्रेक्टेड रे आल्सो इंसिडेंट रे एट सी डी, ओ डैश एच इमर्जेंट रे, एन एन डैश एंड एम एम डैश आर नॉर्मल, ओ डैश एल स्लाइट डेविएशन. ये जो है स्लाइट डेविएशन है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, आई वन इक्वल्स टू आर टू, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ओ डैश एच इक्वल्स पैरेलल टू यू. मतलब ग्लास स्लैब के थ्रू जब लाइट, इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट दोनों पैरेलल है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस डेविएशन, मतलब डिफरेंस ये देखो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज डेविएशन. इतना डेविएशन आता है. बाकी पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे, ऑन एंटरिंग इनटू ग्लास मीडियम लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज द लाइट रे गेट्स रिफ्रेक्टेड ऑन एंटरिंग द ग्लास मीडियम. आफ्टर रिफ्रेक्टिंग दिस इज रेज नाउ ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड कम्स आउट ऑफ द ग्लास स्लैब बाय रिफ्रेक्शन फ्रॉम अदर इंटरफेरेंस बाउंड्री. ऑब्वियसली बात है, सिंस रेज गोज फ्रॉम ग्लास मीडियम टू एयर इट अगेन रिफ्रेक्ट एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ पे टूवर्ड्स द नॉर्मल था, देखो दिस इज टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड हियर इट गेन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्योंकि एयर से ग्लास में आया तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ग्लास से एयर में गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. द इंसिडेंट रे, the incident ray and emergent ray are parallel to each other. I is the angle of incidence, r by r is the angle of reflection, e is the angle of emergence. Angle of incidence and angle of emergence are equal as emergent ray
एंड इंसिडेंट रेयर पैरेलल, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आई वन आर वन एंड आर टू, क्योंकि हमने इमर्जेंट रे का जो एंगल है वो आर टू लिया हुआ है, दैट इज वाई. व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया, देन देर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे एंड इट गोज स्ट्रेट थ्रू द मीडियम, देर इज जस्ट स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द पाथ, जो भी पाथ है उसमें से थोड़ा सा डेविएशन होता है. With a neat level diagram, describe the position of nature of image formed when the extended object is kept between F1 and O1. देखो पहले तो suppose convex lens ले लिया, principal axis बना दी हमने, ये सारे के सारे F1, 2F1, F2. Suppose object आपका F1 और F2 के बीच में, means that is AB is the object. यहाँ से straight line अगर pass हो रही है, तो सबसे पहले जब parallel line आती है तो it passes through focus, तो F2 के through pass होगी. सेकेंड लाइन हम लोग पास ऑन करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो जाके मीट हो रहा है यहाँ पे बियॉन्ड 2F2, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश. तो इमेज पोजीशन बियॉन्ड 2F2, इमेज साइज एनलार्ज यानी बड़ी साइज है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एटलीस्ट सेक्शन सी, और भी सेक्शन आते रहेंगे कंटिन्यू, कहीं पे भी समझ में आ रहा है तो बस कमेंट कर दो फटाफट से कमेंट, हाँ समझ में आ रहा है, जल्द से जल्द कोशिश करूंगा जल्द से जल्द दे दूं. आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि अपलोड करके रख दूं, ठीक है, डोंट वरी, आप लोग के लिए हैं, करेंगे. ये सीरीज में सर्किट में देखो तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, जिनको वोल्टेज मिला V1, V2 एंड V3, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, दैट इज RI वाला. तो हियर इन फिगर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B. As the current I flowing through each of the resistors is same. यहाँ पे करंट सेम है बट वोल्टेज जो है ड्रॉप अलग अलग है, V1, V2, V3. भाई तीनों रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप होता है. अब आपको पता है कि V equals to V1 plus V2 plus V3. अब V1 क्या है, V1 equals to IR1, V2 क्या है IR2, V3 क्या है IR3, क्योंकि करंट सेम है. अगर मैं इक्विवेलेंट भाई V जो होता है दैट इज IRS ले लेता हूँ, RS फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, तो V इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ IRS इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. I तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि सब में I, तो RS क्या हो जाएगा, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. बस ये आपका डेरिवेशन, लुक देखो यहाँ पे. नाउ इफ द रेजिस्टर R इंस्टेड ऑफ दिस थ्री रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इज कनेक्टेड इन सच अ वे that current flowing through the circuit remains the same but R equivalent of the circuit changes. Now for equivalent resistance V equals to IR according to Ohm's law, R1 voltage drops across V1 equals to IR1, V2 equals to IR2, V3 equals to IR3. Adding 3, 4, 5, V1 plus V2 plus V3 equals to IR1 plus IR2 plus IR3 or V equals to IR, that is I in bracket R1 plus R2 R3, so R equals to R1 plus R2 plus R3. ये आपको मेन डेरिवेशन करना होता है जो मैंने आपको बताया. सीरीज रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होता है, क्लियर, छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से बड़ा था. दिस इज ऑल हाउ वी वर्क्स विद सेक्शन सी. थैंक यू वेरी मच. अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, मुझे पता है सब लोग एक्सप्लेनेशन नहीं, अभी आंसर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो गो थ्रू द टॉपिक्स चैनल्स एंड एवरीथिंग, विल नॉट टू नो. देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जल्द से जल्द सारे सेक्शन सी सेक्शन डी भी ले आएंगे, टिल देन टेक केयर.